वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट वन। आज जो है पाकिस्तान सुपर लीग T20 मैच में जो है पेशावर वर्सेज इस्लामाबाद का जो मैच होगा, ये जो भी PSL का मैच हो रहा है कराची के मैदान पर हो रहा है। कराची के मैदान पर एक रिकॉर्ड है कि जो टॉस जीतता है वो टीम चेस करना चाहती है, और जितना भी स्कोर बने आपको 200 स्कोर भी बनेगा तो वो भी चेसेबल है। मीन्स कि इस पिच पे सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि आपका टॉस का है। अगर जो टीम टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग लेती है तो उस टीम का जो है आपको ओपनर रखना है, मिडिल और बैट्समैन भी रखना है और बॉलर भी रखना है। मीन्स कि 7 प्लेयर उसका करीब करीब सोच के चलना है। तो सबसे पहला मैच का जैसी शुरुआत होता है सबसे पहले टॉस पर निर्भर करेंगे कौन सा प्लेयर चलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं पेशावर। पेशावर का जो है प्लेइंग 11 तो पता चल गया कि कौन कौन खेलेंगे, लेकिन इस्लामाबाद का अभी तक पता नहीं चला। लेकिन इस्लामाबाद मेरे ख्याल से जो है वो प्लेइंग 11 मैंने लिखा है उसमें लिखा है एलेक्स हेल्स और आर गुरबाज, जो बाहरी प्लेयर हैं, जो आपका विदेशी प्लेयर है, 4 प्लेयर होना चाहिए। तो एलेक्स हेल्स, आर गुरबाज, कोलिन मुनरो और मर्चेंट डी लंगा, ये 4 हो सकता है कि प्लेयर आपका इस्लामाबाद की तरफ से 4 बाहरी प्लेयर खेलेंगे। उसके बाद जो है ए खान, आसिफ अली, सदाब खान जो कैप्टन है, बहुत ही अच्छे कैप्टन है, स्पिन भी करते हैं और मिडिल ओवर में बैटिंग करके बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। फिर फहीन अशरफ, हसन अली बॉलर और एम वसीम जूनियर और जे गौहर, ये होगा उनका प्लेइंग 11। और देखा जाए पेशावर की तरफ से देखा जाए के कैडमेरो और वाई खान ओपनिंग करने के लिए आते हैं, अच्छा शुरुआत देते हैं। एच अली, हसन अली, फिर एश शोएब मलिक जो है कैप्टन इस टीम के, फिर तलत, फिर सैमरन रदरफोर्ड, बैन कटिंग, सोहैल खान, पी ब्राउन, एस गुल और उस्मान कादिर। पिछले मैच में उस्मान कादिर ने 2 विकेट लिया था और ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने ही मैच को जिता दिया था। 190 प्लस का स्कोर था। अब इसमें देखा जाएगा तो टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बैटिंग और बॉलिंग। इसमें बॉलर को थोड़ा सा कम लीजिएगा, बॉलर को कम लीजिएगा, ऑलराउंडर और बैट्समैन को ज़्यादा रखना है। अब देखिए विकेटकीपर के रूप में के कैडमेरो और आर गुरबाज, ये दोनों आपके बहुत ही अच्छे विकेटकीपर हैं। तो सबसे पहला है कि किसी मैच में आप एक को रखिएगा कैडमेरो को, किसी मैच में आर गुरबाज को रखिएगा और किसी मैच में दोनों को रखिएगा। मीन्स कि 3 से 4 टीम बनाइएगा तो कैडमेरो को और आर गुरबाज किसी किसी मैच में दोनों को आप रख सकते हैं। पहले टॉस के ऊपर निर्भर करेगा। अगर टॉस जीती है, मान लिया कि आपका पेशावर टॉस जीत गया, पेशावर जब टॉस जीत गया तो आर गुरबाज को एक टीम में रखिएगा और 2 टीमें आर गुरबाज को नहीं रखिएगा। इस तरह से देखा जाएगा तो सबसे पहले टॉस पे ही निर्भर करेगा कि आपका टीम कौन सा खेलेगा, कौन सा प्लेइंग 11 में रहेगा, कौन सा आप इसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहला विकेटकीपर में रुकते हैं आपको के कैडमेरो, दूसरा आर गुरबाज। टॉस पे निर्भर करेगा, टॉस में किसको रखना है नहीं रखना है। एक मैच में दोनों को आप रख सकते हैं। दूसरा प्लेयर उसमें भी देखा जाएगा कि आपका फिर टॉस इसमें हुआ, एलेक्स हेल्स पूरे दुनिया में कहाँ भी जाता है T20 खेलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर रहते हैं। अगर खासकर इस्लामाबाद टॉस जीत गई, पहले बॉलिंग लेता है, तो एलेक्स हेल्स को कैप्टन बना भी सकते हैं आप और एलेक्स हेल्स को अपने टीम में जरूर रखिएगा। तीसरा प्लेयर वाई खान, डाउटफुल में रखिएगा थोड़ा सा। ए चली पिछले मैच में थोड़ा सा कम स्कोर किए हैं, लेकिन इस मैच के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेयर हैं। हसन अली जो है बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, नो डाउट उनका बैटिंग का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। और चौथा कोलिन मुनरो, सी मुनरो, मीन्स कि आपका ऊपरी क्रम का 3-3 बल्लेबाज में से 2 रहेंगे इधर से 2 रहेंगे इधर से 4 रहेंगे। उसके बाद फिर शोएब मलिक, कप्तान पाली खेलते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ता है अपना टीम के लिए तो आपका बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, कैप्टन के जिम्मेवारी निभाते हैं, तो शोएब मलिक भी आपके 5वें प्लेयर हो जाएगा। फिर ऑलराउंडर में देखिए, ऑलराउंडर में एस रदरफोर्ड को मत रखिएगा। एस रदरफोर्ड विकेट भी नहीं लेंगे, बहुत निचले क्रम पर रन मारने आते हैं। बेन कटिंग का भी हाल वही है, बहुत ही निचले क्रम पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, अगर ऊपरी क्रम में विकेट गिर जाता है फिर भी ये लोग उतना ज़्यादा खासा स्कोर नहीं कर पाएंगे। फिर पी ब्राउन, ये पी ब्राउन को एक बॉलर के रूप में आप जरूर रख लीजिएगा। पी ब्राउन पिछले मैच में भी अच्छा खासा बॉलिंग किया था, विकेट भी लिया था। 7वां प्लेयर जो है सदाब खान, इस टीम के जो है मेन स्तंभ है सदाब खान, एस खान बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, स्पिन में 4 ओवर का कोटा पूरा करेंगे, 4 ओवर में विकेट लेने का भी चांसेस है। फिर 8वां, एक आर गुरबाज को हम लोग रख चुके हैं। 8वां देखिएगा MD लंगा, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये दोनों में से एक प्लेयर को रखिएगा। डी लंगा या मोहम्मद वसीम जूनियर, हम लोग का 8 प्लेयर हो गया है। अब हम लोग को 3 प्लेयर रखना है, वैसा प्लेयर जो आपको करीब करीब सब प्लेयर में 8 प्लेयर रहेंगे, फिर 3 प्लेयर का डिफरेंसेज रहेगा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तब देखिएगा ए खान और ए अली कभी कभी इनको कम बॉल मिलता है तो बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं और ये टीम का त्रुप का इक्का होते हैं, तो आपको ए अली अपने टीम में जरूर रख लीजिएगा 9वां प्लेयर में। 10वां प्लेयर में एक बॉलर चाहिए स्पिन के रूप में, तो उस्मान कादिर,
या जेड गौहर। तो उस्मान कादिर पिछले मैच में विकेट लिए हैं, सब लोग रखेंगे, आज के मैच में भी हो सकता है इनको विकेट मिल जाए। तो दसवां प्लेयर ये हो गए। 11वां प्लेयर में देखिए, किसी किसी मैच में आर गुरबाज को रख लीजिएगा, किसी किसी मैच में वाई खान को रख लीजिएगा, लेकिन यही आपका ये प्लेइंग 11 होगा। अगर इस प्लेइंग 11 में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है, मीन्स कि इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स, कोलिन मुनरो या एमडी लंगा नहीं खेलते हैं, तो उनके जगह पर जो प्लेयर आएंगे वही प्लेयर इनको रिप्लेस करेंगे। खासकर ओपनर ऊपरी क्रम के चार बल्लेबाज में से सबको रखना है, इधर से भी चार बल्लेबाज में से दो या तीन को रखना है। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का बात आता है। कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने पहले ही बोला था, जो टॉस जीतेगा उस टीम के बाद में जो बैटिंग करने के लिए आएंगे उसके ओपनर एक को जरूर रखिएगा। जैसे मान लिया कैडमेरो या आर गुरबाज या एलेक्स हेल्स या कोलिन मुनरो या शोएब मलिक। बॉलर को नहीं रखना है। इस्लामाबाद का पिच जो कराची का जो पिच है वहाँ बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी अब मान लिया कोई आप शॉट ही गलत खेलिएगा, बॉलर को विकेट दीजिएगा, तो वो बात ही अलग होगी। आप 10 ओवर का गेम समझ के खेल रहे हैं, 2020 में गेम में है, आपको 160-180 प्लस बनाना है, फिर भी आप हार जाइएगा। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 200-400 प्लस बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आप फाइट कर सकते हैं। इससे देखा जाएगा तो ये प्लेइंग लोग ना, इसमें कैप्टन आपको मैंने बता दिया है। इसी टीम से आप जो है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों खेल सकते हैं। PSL का मैच है, इसमें आप बहुत अच्छा खासा रुपया अर्जित करें, कमाएं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।